दुनिया है वो जुगाड़ पर कायम है, भारत में सबसे ज्यादा जुगाड़ चलता है और इसी जुगाड़ को लगा लगा कर इन्होंने बना दिया है हेलीकॉप्टर। बताइए कि कैसे कैसे ये सब चालू होता है, ये सब क्या बटन होता है चलाने के लिए, ये है ना कि पूरा वो सर चालू बोलिए मत, नहीं तो कोई पकड़ के लेके जाएगा आपको। चार लोगों की गाड़ी में छह सात लोगों घुसा दे हेलीकॉप्टर में, हमको बैठ कर इसके अंदर बैठ कर तो वाकई में लग रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठ के पायलट हम बन गए हैं। हालांकि जो मालिक हैं इसके, जो पायलट हैं, वो बगल में हमारे बैठे हैं सलमान भाई, इनसे हम बात करेंगे कि ये तो है गाड़ी नैनो, लेकिन नैनो में इन्होंने क्या ऐसा सिस्टम किया है कि ये सब कुछ अलग ही दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फील हो रहा है कि मैं एकदम हेलीकॉप्टर में बैठ चुका हूँ। ये बताइए कि कैसे कैसे ये सब चालू होता है, ये सब क्या बटन वटन लगा रखा है? ये सब स्विच है लाइट की, अच्छा, जलने की, अच्छा। ये जो पीछे असली हेलीकॉप्टर में लाइट लगी चुपचाप जो बत्ती, अच्छा, ये उसी है सर, अच्छा। और ये दिशा मोड़ने वाली फैन की है, अच्छा। और ये सब पंखे की सिस्टम है सर। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो सिस्टम है यहाँ पे जो उसका होना चाहिए यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे था क्या पहले ही बताइए। बस ऐसे खाली था सर। अच्छा खाली था, वो टाटा रतन जी शायद इसीलिए उसे छोड़ दिए थे, अच्छा। कि शायद किसी ने हेलीकॉप्टर बनाएगा इसी में सिस्टम बैठा देगा, अच्छा। देखिए टाटा नैनो के मालिक जो ये गाड़ी जब डिजाइन हुआ था टाटा ने किया था तो इधर खाली छोड़ा था वो सलमान भाई के लिए कि सलमान भाई उसको हेलीकॉप्टर बनाएंगे और इसमें सारा सिस्टम अपना बिठा देंगे। तो थोड़ा सा इधर दिखाइए, यही सिस्टम है इनका, ये जो है बटन वटन ये सब इनके पंखे का, ये क्या है वो पट्टी मोड़ने के लिए खोलने, अच्छा पट्टी मोड़ने के लिए खोलने के लिए। और ये क्या टाइम सर, हम ये लगा दिए हैं कि हमारी बैटरी कब चार्ज हो रही है, अच्छा। कितनी चार्ज हो रही है हम वो देखने के लिए, अच्छा बैटरी चार्जिंग के लिए ये सिस्टम है, ये बकायदा इसको चलाने के लिए ये है ना, हाँ, कि पूरा वो सर चालू करेंगे सेल्फ है, अच्छा पूरा इंजन स्टार्ट हो गया, अच्छा उसका इंजन अलग है जी, हाँ वो अलग किया है, बाकी गाड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं, गाड़ी जो है वैसे ही है, बाकी हम जो अपना सिस्टम लगाए, अच्छा उसको पूरा कंट्रोलर इसी में है वो सब चीज का, सब ड्राइवर के हाथ में रहेगा, अच्छा। और सर एक चीज नहीं बोले कि कोई भी मेरे भाई मुझसे हेलीकॉप्टर बनवाते हैं मॉडिफाइड करवाते हैं तो मैं उन्हें एक साल की वारंटी भी दूंगा, अच्छा जी जी, कोई भी जो काम हम कर रहे हैं इसमें कोई भी दिक्कत आएगी तो उसको हम सही करके देंगे, अच्छा। ये नहीं कि एक बार लेके गए तो हमसे नहीं मतलब, ये बात नहीं सर, एक साल के अंदर कोई भी दिक्कत आएगी वो भाई साहब आकर हमसे फिर सही करवा सकते हैं, प्लस जो हमारी सिस्टम उसमें गाड़ी में नहीं भाई, गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत आ रही या इस समय इससे नहीं, जो हमारे काम उससे में कोई भी दिक्कत आएगी वो आकर हमसे सही करवा सकते हैं, हम अपने सभी भाइयों के लिए ये दे, अच्छा देखिए अब जो है सलमान भाई हैं, अब जो वर्कशॉप बनाएंगे और हेलीकॉप्टर बनाएंगे, अब जो है आजमगढ़ में हेलीकॉप्टर का वर्कशॉप आपको मिलेगा जी, यहाँ पर सलमान भाई के पास सलमान जी है और हेलीकॉप्टर का वर्कशॉप बनाएंगे, हालांकि वो हेलीकॉप्टर आकाश में नहीं उड़ेगा जमीन पर चलेगा, ऐसा हेलीकॉप्टर ये बनाएंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि आप बैठेंगे जो गरीबों का हेलीकॉप्टर ही बनाएंगे, है ना, गरीबों का हेलीकॉप्टर, ऐसा ऐसे तो अमीरों का ही हेलीकॉप्टर बोलिए, इसलिए कि अमीर इस पर नहीं बैठेंगे, सॉरी जैसे गरीबों कहने मतलब ना, नैनो को लोग गरीबों की गाड़ी बोलकर खराब कर दिए, ये गाड़ी ऑल द बेस्ट है, इसको लोग ये बोले कि गरीबों की गाड़ी है ये बोलकर खराब करते हैं, इस गाड़ी को गरीबों का नाम मत दीजिए, ये ऑल द बेस्ट हेलीकॉप्टर, ऑल द बेस्ट हेलीकॉप्टर है, और इस हेलीकॉप्टर में हमको बैठ कर इसके अंदर बैठ कर तो वाकई में लग रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और उड़ रहे हैं, लेकिन उड़ नहीं रहे हैं अभी, जमीन पर है और जमीन पर ही ये चलता है, वास्तविकता इस हेलीकॉप्टर की यही है कि ये जमीन पर चलता है और ये शादी ब्याह में ज्यादा यूज होता है। और सलमान भाई ये बता भी रहे हैं कि ये जो है वर्कशॉप बनाएंगे और उसमें जो कोई बनाने के लिए बोलेगा कि हमको हेलीकॉप्टर बना के दीजिए तो उसको दे भी देंगे, बनाकर भी देंगे, उसके साथ उनको वारंटी भी देंगे, अच्छा। हमारे सिस्टम कोई भी दिक्कत आ रही है, कंप्लेन आ रही है, वो गाड़ी लाएंगे हम उन्हें सही करके दे देंगे, वारंटी सब कुछ दे देंगे, अच्छा। ये बताइए जो यहाँ पे दो लोग पीछे और एक लोग आगे, हाँ वैसे तो पाँच छह लोग बैठ जाते, हम लगभग 15 किलोमीटर की जगह गए तो इसमें छह लोग बैठ के गए, तो बैठने तो चार ही लोग टाटा रहता है, चार ही लोग को बैठने लगे, हम लोग छह छह लोग बैठ के चले जाते हैं, वो तो जुगाड़ है ना, वो तो जुगाड़ पर जुगाड़ जो दुनिया है वो जुगाड़ पर कायम है, भारत में सबसे ज्यादा जुगाड़ चलता है और इसी जुगाड़ को लगा लगा कर इन्होंने बना दिया है हेलीकॉप्टर, और ये चार लोगों के जगह छह लोग को बैठाते रहे, इसे बोलिए मत, नहीं तो कोई पकड़ के लेके जाएगा आपको, चार लोगों की गाड़ी में छह सात लोगों को घुसा दे, जैसे बात ये है ना कहीं जा रहे हैं कोई लिफ्ट मांग लिया तुमको मना भी नहीं कर सकते हैं, चले भाई बैठ जाओ पहुंचा देते हैं, बस इतनी और क्या, हम थोड़ी बड़ा थोड़ी ले जा रहे हैं, चलो को बताते, देखिए दिल बड़ा होना चाहिए, आदमी बड़ा नहीं दिल बड़ा होना चाहिए, और सलमान जी का दिल बड़ा है। अब जो है हम पहले इस पर से उतरेंगे क्योंकि कहीं उड़ न जाए सलमान भाई हमको लेके, और देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे, उनके पिताजी भी हैं हमारे साथ, पिताजी आप सलमान भाई के पिताजी हैं, यस यस, क्या नाम है आपका? नूर हसन, अच्छा जी,
ये पकनी कलासर ग्राम है और थाना तरमा है, जिला आजमगढ़ सर है। तो क्या लगता है ये सब नैनो को खराब कर दिया? नहीं, उस समय तो मूड खराब हो गया था कि बिजनेस करके ये फालतू काम हो रहा है, लेकिन मेरी बात लोग सुने नहीं, अपने बिजनेस में कुछ अपना भाई रोक करके काम रोक करके इसको लगे रहे लोग, दोनों भाई भाई लड़के हैं, हैं? ये दोनों भाई लग करके रात दिन करके इसको खड़ा कर दिया, अब अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, इस क्राइम में इनका भी हाथ है। हाँ, दोनों भाई दोनों भाई मिलकर इसको तैयार किए हैं और कितना नाम है, कितना सब जश्न हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। देखिए सलमान भाई है। अच्छा ये बताइए, अभी तो तारीफ कर रहे हैं आपके, पहले बोल रहे थे ना गरियाए होंगे? हाँ बोल रहे थे, बोल रहे फालतू काम कर रहे, मतलब बिजनेस धंधा पानी करना चाहिए, ऐसे बोल रहे थे। ये अब काफी खुशी है, हमारे पिताजी खुशी है सर, हमें तसल्ली है, खुशी है, जो हम कहे किए हम कामयाब हुए, ये खुशी जाए। आप क्या करते हैं? ये भी फर्नीचर में हेड कारीगर है, हमारी दुकान में ही है, हेड कारीगर है सर जी, दुकान के कारीगर ही है, ये तो मालिक है। अच्छा ये मालिक, ये इनका काम है कि बार बार काम है, इनका काम है कि दुकान फर्नीचर का काम करना, लेकिन अब ये नए डिजाइन किया है हेलीकॉप्टर ग्रुप में, तो दोनों भाई मिलकर किए हैं जी। सबसे पहले कौन सोचा था इसके बारे में? सोचा जी, हमें सोचे थे, हमें इन्हें भी बताया, ये कह के अरे सब का कही थोड़ा ऐसे ऐसे, फिर पापा बोलेंगे, ऐसा बोले पापा बोल, ये साथ दिए, फिर धीरे धीरे घर वाले सभी लोग साथ देना शुरू किए, काम शुरू हो गया सर। अब जो है पूरा गांव पूरा लोग सपोर्ट में है कि अरे भाई सलमान भाई कुछ ऐसा और बनाइए कि और हमारे गांव और जिले का नाम रोशन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग खुश है, काफी लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि अच्छा पूरा पूरे जिले भर शोर है, लोग फोन से बात कर रहे, भैया आपका हमने हेलीकॉप्टर देखा बड़ा बढ़िया लग रहा है, लोग फोन कर रहे हैं, जान जा यूट्यूब में जा रहा है सर ना, सब बड़े लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं, भैया बड़ा अच्छा आपने काम किया, जो कि पहले वैसे देखने मिला है कि सबसे बड़ी खुशी तो होती है कि अपने परिवार को खुश रखना, पहले आप नाराज थे अब खुश हो गए, इनको तो और खुशी मिल गई। जी सर जी 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 बिल्कुल, पिताजी को खुश देख रहे हैं तो इनको भी खुशी मिल गई है। और देखिए आजमगढ़ के लाल के इस कमाल को आपने देख लिया है, तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को पता चले कि आजमगढ़ के लालों में कितना दम है। तमाम तरीके से जो है वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ऐसे तमाम अनोखे इन्वेशन करते जा रहे हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।